एक बार अपने लिए जोरदार ताली हो जाए इंदौर वालों। क्या बात है, उदित जी का होस्ट भी आया इधर। बहन जी मैं इंडियन आइडल का होस्ट हूँ। हाँ तो उदित जी भी तो इंडिया के आइडल है, कौन से युगांडा के आइडल है वो? लौंडा कैसे बात कर रहे हो उदित जी मेरे साथ में, देखो आप। सपना मेरा वो मतलब नहीं था, रिश्तों में आग लगाना अच्छी बात नहीं होती है। ये मेरे को मत समझा, इन लोग को समझा जो इधर लेडीज लोग बैठे ले। रिश्तों में आग लगा लगा के कितना टीआरपी लेते मालूम है ये लोग? बहुत पैसा है इन लोग के पास, मैं ऐसा मत समझ टीवी कर करके। ये कौन है प्रोड्यूसर लोग जो आधे बैठे, क्या नाम है, बिनय फर खोली नाम में खोली है, 15 फ्लैट लिया इसने 15 में। भाभी जी घर पे बहुत पैसा जमा किए ले। वो सब तो ठीक है लेकिन अरे वो एक मिनट रुक जाए, इनका तो बताने दे, राजन शाही। कौन राजन शाही? हाँ हाँ, अरे बाबा शाही दवा खाने वाले ना। हाँ तभी 12 साल से टिके ले। ये तो अपना चेकअप के लिए जाते हैं ना, तो इनका हीमोग्लोबिन भी 3.2 आता है। पारा नॉर्मल रहते है, 3.2 में लड्डू बांटते हैं लोग। कितना फ्लैट लिया आपने? अंडर कंस्ट्रक्शन मीरा रोड में 30 फ्लैट है इनका, बहुत पैसा बने ले। लेकिन ये हीरोइने लोग मेरे को बहुत अच्छे लगे रे, तो मस्त। इधर शो में तो सबके बाल विल नोचते है, इधर बाल स्ट्रेट करके बैठे ले सब लोग। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा है। नहीं सपना वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका यहाँ क्यों आना हुआ? अच्छा तारा फ्रॉम सतारा आ सकते है, सपना फ्रॉम नाला सोपारा नहीं आ सकती क्या? कौन रोकेगा मेरे को इधर? कोई रोकेगा बता मेरे को, कोई रोकेगा क्या इधर मेरे को? सपना हर बात पे तुम मुझ पे भड़क क्यों रही हो? भड़क नहीं रही, मैं तेरे को गुस्सा दिलाना चाहती है। क्यों? देख मेरा छावा है ना मुकेश। हाँ। उसका ना चड्डी मैंने टेरेस पे सुखाई है। अच्छा। वो मेरे से उतर नहीं रहे। अच्छा। मैंने तेरा किधर तो वीडियो देखा था एयरपोर्ट पे, तू जब भी गुस्सा रहता है ना तू चड्डी उतार देता है, तू जाके उधर चड्डी उतार के लाना उसका। सपना देखिए आप अवार्ड शो पे आई है, यहाँ पे फैमिलीज आई है, ये सब कैसी बातें कर रही हैं? क्या घर पे आके तेरे से सब बातें करूं मैं? ज्यादा शाना मत बन, मेरे को पता है तू उदित नारायण जी का बेटा है, मेरा भी मामा कम नहीं है। तेरा मैंने 2 मिनट में गोविंदा 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 नहीं किया तो मेरा नाम भी सपना नहीं, समझा? खैर इधर मैं आई ली एक्चुअली मेरे को शो बनाने का। अच्छा। मेरे को मदद करेंगे क्या ये लोग? करेंगे करेंगे, सब मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कौन सा सीरियल बनाना है आपको बताइए? मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया है, शो का नाम है कपूर वॉकिंग। कपूर वॉकिंग? हाँ। अरे ये कैसा नाम है यार, ये थोड़ी चलेगा। अच्छा तुम्हारा कुमकुम भाग गया उससे मेरे को तकलीफ नहीं है, मेरा कपूर वॉकिंग कर रहे तुम लोग को प्रॉब्लम है क्या इधर? हो गया सपना, हो गया आपका? ज्यादा कपिल शर्मा मत बन तेरा, हो गया मत बोल मेरे को इधर, मैं उसका नहीं सुनती, तेरा क्या सुनेगी इधर? मैं जाऊं क्या बिना मसाज सुनाई जाऊं मैं? मसाज सुनने का है कि नहीं आप लोग को? ये देख पब्लिक बोलती है। नहीं मुझे भी सुनना है। मसाज सुनेगा? हाँ प्लीज सुनाइए। तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। हाँ। हमारे पास इंदौर मसाज है। वाओ। इसमें क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर कपड़ा उतारते हैं, उनको तेल लगाते और उनका आउटडोर में मसाज करते, लेकिन मसाज उनको इंदौर वाला ही मिलता है। फिर हमारे पास एक और मसाज है, इनका शो आता है ना पटियाला बेब्स। हाँ 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 हाँ। पटियाला बेब्स मसाज। अरे वाह, उसमें क्या होता है? इसमें कस्टमर कपड़ा उतारते है। हाँ। तेल लगाते है। हाँ। फिर मैं एक पटियाला मारती है। हाँ। और तब तक मसाज करती है जब तक कस्टमर बेबस ना हो जाए। ओ, पटियाला तो हम 4.2 दे रहे हैं। फिर एक हमारा मसाज है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ वाह, उसमें क्या होता है? 4 कस्टमर को बुलाते, फिर उन लोग को तेल लगाते, फिर उनका आंख पे पट्टी बांध के उनको एक कमरे में बंद कर देते, फिर वो लोग आपस में एक दूसरे का मसाज करते, इसका हम वीडियो निकाल लेते, फिर उनको बाद में वीडियो दिखाते और पूछते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है रे, ऐसा देखते हैं। फिर हमारे पास एक और मसाज है, कपिल शर्मा शो मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते है, कस्टमर आता है, हम उसको लड़की का कपड़ा पहनाते और फिर वो मसाज करते। ये कैसी बकवास मसाज हुई? ए, हाँ? बकवास नहीं बोलना। क्यों? तेरे को मालूम नहीं लड़की बनने का कितना पैसा लेती है मैं? तेरे को पता चल जाए ना तो तू परमानेंटली लड़की बन जाएगा, समझा? सपना आप ऐसे गुस्सा मत हो यार, आप मेरे साथ एंकरिंग कर सकती हो, आई ना एंकरिंग? हाँ आई ना।